Hello guys, now we are discussing the question number 20 of this series. Prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the endpoints of an arc. अब ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, इसको आगे आपको देखना होगा और इसके अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है. तो आपको प्रूव करना है, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के दिखा दूं बिफोर दिस, कि आपका एक टेंजेंट बन रहा है. लेट से ए और बी नाम के कोई आर्क हैं और इन दोनों आर्क का जो मिड पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट, तो इसको पास करते हुए एक टेंजेंट जा रहा है. वहीं पे इन दोनों कॉर्ड को भी ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों आर्क को जो ज्वाइन कर रहा है ये एक कॉर्ड है और ये आपकी टेंजेंट है जो कि एक मिड पॉइंट से जा रही है. तो आपको बस इस कॉर्ड और इस टेंजेंट को पैरेलल करना है एज पर दिस क्वेश्चन. एम आई क्लियर टू यू? ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, आपने यहाँ देखा कि ये जो कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट जा रहा है आपका इस मिड पॉइंट सी से, इन्हें आपस में पैरेलल करना है. तो आपको यहाँ करने से पहले दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूँ. सबसे पहली चीज, तो ओ सी जो हमारा है वो डी ई के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट सी पे. क्यों? क्योंकि हमें पता है जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो हमें ये वाला जो एंगल है इस फिगर के हिसाब से, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी 90 मिल चुका है. तो अब इसका एज सच कोई रोल नहीं है, आगे सीधे एंड में रोल होगा, उसको देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने ओ ए ओ बी को ज्वाइन करवाया और इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों है, दीज आर दी रेडियाई, पता चल रहा है. ओ एम ओ एम यहाँ पे कॉमन है, ये भी पता चल रहा है. और दूसरा प्रॉपर्टी जो आपको समझना इम्पोर्टेंट है, लेट से अगर आप कोई ग्राफ बनाना, अगर आप कोई एंगल ड्रॉ करते हो, तो मैंने बोला लेट से 45 ड्रॉ करो, तो आप क्या करते हो, आप एक आर्क बनाते हो, यहाँ पे कंपास रखा एक कट, यहाँ रखा एक कट यहाँ पे, और आप इसको ज्वाइन करवा देते हो और फिर आप बोलते हो सर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है. तो आपने क्या देखा कि ये जो आपका आर्क है जब आप इसको इसके मिड पॉइंट से कट करते हो तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल कर देता है. ठीक है, तो किसी भी फिगर को जब आप ग्राफ बनाते हो, लेट्स से आपने आर्क किया, ये किया, ये किया, इसको ज्वाइन करवाया, तो अगर ये 45 डिग्री होता है तो ऊपर वाला भी 45 डिग्री ही होता है. तो एक चीज यहां से आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई मिड पॉइंट किसी आर्क को कट करता है तो वो यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड होता है. इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एंगल ए ओ सी है और बी ओ सी है, ये आपस में इक्वल होंगे. क्योंकि मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ, लेट से ये आपके रेडियाई है, ये आपका आर्क है और यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट से आप कोई एंगल बना रहे हो सेंटर की तरह, तो दे आर ऑलवेज इक्वल. दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस लैंग्वेज यू गाइस कैन राइट कि सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑन आर्क ए बी, तो देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी दे आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन लाइन ओ सी. ठीक है, सो विद दिस प्रॉपर्टी कैन वी से दीज टू आर ऑल्सो इक्वल. सो अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड से आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया है आपस में. और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो अगले स्टेप में हमें जो चीज देखना है वो ये है, इन ट्राइंगल्स के ये जो एंगल एम के अराउंड है, मैंने इसको एम वन और एम टू नेम दे दिया है. इसका क्या बेनिफिट है, एम वन एम टू सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा. एम वन और एम टू आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एम वन 180 हो जाएगा, 2 से 180 कैंसिल और एंगल एम वन आपका 90 आ गया. ठीक है, तो जैसे ही ये 90 आपका आ गया, अगले स्टेप में आपने क्या देखा, हम अपनी फिगर में फिर से वापस गए जो ओरिजिनल फिगर था. हमने देखा एंगल सी तो ऑलरेडी 90 था,
ये वाला एंगल अभी अभी 90 आया है, सो कैन वी से बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं वो तभी पैरेलल होती हैं या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली थ्योरी यहाँ लगी है, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि अगर आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो विद दिस प्रॉपर्टी कैन बी से कि योर ए बी इज पैरेलल टू डी ई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्स एंगल्स। ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्स एंगल्स लगे हैं हमारे करस्पॉन्डिंग वाले, उनकी वजह से आपका ए बी डी ई पैरेलल आ चुका है और यही हमें यहाँ पे दिखाना था। सो अगेन आई कैन कंक्लूड कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।